क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डे। 30 डे में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है। इफ द रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन द सेम, अगर जो रेट ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है वो सेम रहेगा, एवरी डे सेम रहेगा, हाउ मच डिग्री विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डे। हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट 10 डे में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। तो 15 डिग्री सेल्सियस 30 दिन, 30 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, हमें फाइंड आउट करना है 10 डे में कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होने की रेट ईच डे सेम रहे तो करते कैसे करेंगी? टेम्परेचर ड्रॉप इन 30 डे, 30 दिन में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है? 15 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हैं या क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में 30 डे का दिया गया है तो हम 1 डे का निकालेंगे, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन में 10 डे का पूछ रखा है तो 10 डे का निकालते हैं। अब टेम्परेचर 30 दिन में 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है तो 1 दिन में कितना होगा टेम्परेचर ड्रॉप इन 1 डे? 30 में 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है तो 1 में कम होगा, कम के लिए डिवाइड, 15 डिवाइड 30। अब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1/2 डिग्री सेल्सियस, 1 दिन में 1/2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो रहा है, 1/2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो रहा है, घट रहा है। कितने दिन का फाइंड आउट करना है? 10 दिन का। तो टेम्परेचर ड्रॉप इन 10 डेज, 10 डे में कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो 1 दिन में कितना हो रहा है? 1/2। तो 10 डे का निकालना है तो 1 से 10 का निकालेंगे तो कम से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 1 दिन में 1/2 हो रहा है तो 10 में 1/2 × 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 1 जा 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है 10 डे में। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चनों की तरह है। 30 डे में कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था? 15 डिग्री सेल्सियस। तो पहले हमने 1 डे का फाइंड आउट किया, 1/2 डिग्री सेल्सियस आ गया, उसके बाद हमने 10 डे का पूछ रखा था तो 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। क्लियर? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? सेना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 मंथ। सेना है वो रेंट रेंट पे लेके रूम लेके रह रही है तो 3 मंथ का ₹15,000 पे करती है वो। हाउ मच डज सी हैज टू पे फॉर ए होल ईयर, वो पूरी साल के लिए कितना पे करेगी? इफ द रेंट पर मंथ रिमेन सेम, अगर प्रत्येक महीने का रेंट सेम रहे तो पूरे साल में कितना रेंट पे करना पड़ेगा? तो सेना नाम की लड़की है वो रेंट पे रह रही है तो उसने एक बार 3 महीने के रेंट फिल कर दिया कि बार बार कौन रेंट भरने जाएगा, तो 3 महीने के उसने ₹15,000 दे दिए। फिर वो उसके बाद 3 महीने कंप्लीट हुए तो उसने सोचा कि अब मैं पूरे साल का एक साथ ही दे देती हूँ तो पूरे साल का कितने रुपए देगी? तो पूरे साल में कितने महीने होते? 12 महीने होते, तो 12 महीने का कितना रेंट देगी वो? तो 3 महीने का दे रखा है, पहले हम 1 महीने का निकालेंगे और फिर 12 महीने का रेंट निकालेंगे। ऐसे करेंगे
रेंट रेंट फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए कितना रेंट है? 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए है 3 महीने का रेंट। तो कितने का निकालेंगे? 1 मंथ का रेंट फॉर 1 मंथ, 1 महीने का रेंट कितना आएगा? अब 3 महीने 15,000 रुपए दे रही है, तो एक के लिए 3 से 1 ज्यादा से कम जा रहे तो डिवाइड करेंगे। 15,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 5 5 5 15 और 1 2 3 3 0 लग जाएंगे, तो 5,000 रुपीज। 1 महीने का रेंट कितना है? 5,000 रुपीज। अब किसका रेंट निकालना है? पूरी साल का रेंट निकालना है, और होल ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ। तो हमें निकालना है रेंट फॉर 12 मंथ, 12 मंथ का रेंट कितना आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 1 में कितना रेंट आया? 5,000। 1 से 12 जा रहे हैं तो कम से ज्यादा जाएगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 12 5 जा 60, 1 2 3 0 लगा दी तो 60,000 रुपीज हो जाएंगे। तो पूरी साल का कितना किराया आ गया? 60,000 रुपीज आ गए। अब हमारे पास तो 3 महीने का दे रखा था 15,000 रुपए, पहले हमने 1 मंथ का निकाला, ज्यादा से कम पर जा रहे तो डिवाइड किया और 5,000 रुपीज आ गया 1 मंथ का रेंट। अब 1 का आ गया तो 12 का निकाल सकते हैं हम, किसी भी कितने भी मंथ का। 12 के लिए कम से ज्यादा जा रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवन क्वेश्चन। सेवन क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज 180 रुपए, 4 दर्जन बनाना की कीमत दे रखी है 180 रुपए। हाउ मैनी बनाना कैन बी परचेज फॉर 90 रुपीज, 90 रुपीज में हम कितनी बनाना परचेज करेंगे? तो हमें रुपए रुपए में फाइंड आउट करना है, तो रुपए को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। क्लियर? 4 डजन बनाना की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 180 रुपीज। हमें फाइंड आउट करना है कि हम 90 रुपीज में कितने बनाना परचेज कर सकते हैं। अब हमारे पास हम क्या करेंगे, अब 90 रुपीज रुपीज में फाइंड आउट करना है, तो हम लेफ्ट साइड में इधर रुपीज में लिखेंगे। तो बनाना बनानाज परचेज इन 180 रुपीज, 180 रुपीज में कितनी बनाना परचेज किए है? 4 डजन। 4 डजन में कितनी बनाना आती है? 1 डजन में 12 बनाना, तो अगर 4 डजन में कन्वर्ट करोगे तो 4 × 12 48 बनाना आएंगी। अब 180 रुपीज का दे रखा, अब हम कितने का निकालेंगे? 1 का निकालेंगे। बनाना परचेज इन रुपए 1, 1 रुपए में कितनी बनाना परचेज कर सकते हैं? तो कितनी आएगी? 180 से 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ज्यादा से कम के लिए डिवाइड, तो इस नंबर को हम इस बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। 4 को किससे डिवाइड कर देंगे? 180 से। यहाँ पर ये मिस्टेक मत कर देना कि 180 को 4 से डिवाइड कर दो, नहीं, जो इधर नंबर है इसको इस नंबर से डिवाइड करना है। 1 रुपए में इतनी डजन बनाना आएंगी। क्लियर? अब हमें फाइंड आउट करना है कि 90 रुपीज में कितनी बनाना आ जाएंगी। तो बनाना परचेज इन रुपए 90, 90 रुपए में कितनी बनाना परचेज कर सकते हैं? तो 1 की वैल्यू 1 रुपए में तो 4 / 180 डजन खरीद सकते हैं,
तो 90 रुपए में निकालेंगे तो 1 से 90 की वैल्यू के लिए कम से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4/180 × 90, 90 2 जा 180, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 डजन आ गया। 2 दर्जन बनाना 90 रुपए में खरीद सकते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था 4 डजन बनाना 180 रुपीज में आती है, तो तुमने 90 रुपए दिए तो तुम्हें कितनी डजन बनाना मिलेगी? तो 180 रुपीज में कितनी बनाना आती है? 4 डजन। 1 रुपीज में 4/180, क्योंकि ज्यादा से कम में जा रहे तो हमने डिवाइड कर दिया। और 90 रुपीज में 1 की वैल्यू 1 से 90 जाएंगे तो कम से ज्यादा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डजन बनाना आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? द कॉस्ट ऑफ 72 बुक इज 9 किलोग्राम। 72 बुक रखी हुई है, उनकी उनका वेट कितना है? 9 किलोग्राम। आगे व्हाट इज द वेट ऑफ द 40 सच बुक। अगर ऐसी 40 बुक रख दे तो उनका वेट कितना होगा? तो 72 बुक 9 किलोग्राम की है, फिर हम 1 बुक का वेट निकालेंगे और देन 40 बुक का वेट निकालेंगे। तो वेट ऑफ क्या लिखेंगे? वेट ऑफ 72 बुक्स, 72 बुक्स का वेट कितना दे रखा है? 9 किलोग्राम दे रखा है। अब हम कितने बुक का वेट फाइंड आउट करेंगे? 1 बुक का वेट ऑफ 1 बुक। एक बुक का वेट कितना होगा? 72 का 9 केजी है तो 72 से 1 का निकालना है, तो ज्यादा से कम का निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे। 9 को किससे डिवाइड कर देंगे? 72 से। बस इसमें यही ध्यान रखना है कि 72 को 9 से डिवाइड मत कर देना। ये इधर दो नंबर होता है, इसको इस नंबर से डिवाइड करते। अब हमें 40 बुक का वेट निकालना है, तो वेट ऑफ 40 बुक्स, 40 बुक्स का कितना वेट आएगा? तो 1 का वेट 9/72 किलोग्राम है, तो ऐसे ही 40 बुक का वेट निकालना है। तो 1 से 40 पे जा रहे हैं, कम से ज्यादा पे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 9/72 मल्टीप्लाई 40। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो 5 किलोग्राम। इधर किलोग्राम आ रहा है ना, तो अगर 40 बुक रखी है तो उसका वेट कितना होगा? 5 किलोग्राम होगा। कैसे किया? 72 बुक का वेट 9 किलोग्राम दे रखा था, हमने 1 बुक का वेट निकाला तो 9/72। ऐसे ही 40 का निकालना है तो कम से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 केजी हमारा आंसर आ गया। हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। ए ट्रक रिक्वायर 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। 594 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना लीटर डीजल चाहिए? 108 लीटर डीजल चाहिए। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाई द ट्रक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है 594 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 108 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट है, तो हमें फाइंड आउट करना है अगर ट्रक को हमें डिस्टेंस 1650 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो कितना लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट होगी। तो पहले हम 594 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए डीजल दे रखा है, फिर हम 1 किलोमीटर के लिए डीजल निकालेंगे,
और फिर 1650 किलोमीटर के लिए कितना डीजल की रिक्वायरमेंट होगी ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो 1600 किलोमीटर है तो मतलब किलोमीटर वाली यूनिट को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डीजल ऐसे लिख लेंगे, ट्रक रिक्वायर, ट्रक रिक्वायर डीजल फॉर कवरिंग डिस्टेंस 594 किलोमीटर इक्वल टू 108 लीटर। इसका मतलब क्या है कि ट्रक को कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी अगर 594 किलोमीटर अगर डिस्टेंस कवर करता है तो 108 लीटर डीजल की। फिर हम 1 किलोमीटर में निकालेंगे, ट्रक रिक्वायर्स डीजल फॉर कवरिंग डिस्टेंस 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने डीजल की रिक्वायरमेंट होगी, तो 594 से 1 पे जा रहे हैं, ज्यादा से कम पे जा रहे हैं, तो डिवाइड करेंगे 108 को किससे, 594 लीटर आ जाएगा। अब किसका फाइंड आउट करना है, 1650 किलोमीटर, तो ट्रक रिक्वायर्स डीजल फॉर कवरिंग डिस्टेंस 1650 किलोमीटर। तो 1 की वैल्यू दे रखी है, 1 से 1650 किलोमीटर पे जाएंगे तो कम से ज्यादा पे जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 108 डिवाइड में 594 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कम से ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 1650 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर नीचे सेम नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे कि कैंसिल होके जो नंबर कॉमन फैक्टर आ रहे हैं दोनों में वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो कैंसिल करो, इधर से ये 9 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 9 से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, कितना बच गया 5, फिर 54, 9 6 जा 54। अब 6 से हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब 11 से कैंसिल आउट, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 5 बचेगा 55, 11 5 जा 55, 0। इधर 150 बचा, इधर 2 बचा, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 लीटर। तो 1650 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 300 लीटर डीजल की रिक्वायरमेंट है। तो 594 किलोमीटर के लिए डीजल दे रखा था 108 लीटर, फिर हमने 1 किलोमीटर का निकाला तो ज्यादा से कम पे जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, तो 108 को 594 से डिवाइड कर। फिर हमने 1650 का फाइंड आउट करना था तो कम से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया तो 300 लीटर आ गया। क्लियर हो गया, ये हमारा 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, राजू परचेजेज 10 पेन फॉर 150 रुपीज। राजू नाम का कोई बॉय है तुम्हारी क्लास में, वो 10 पेन 150 रुपए में खरीद के लेके आता है। एंड मनीष बाइज 7 पेन फॉर ₹84, और मनीष 7 पेन ₹84 में परचेज करके लेके आता है। कैन यू से यू गोट हु गोट द पेन चीपर, क्या तुम बता सकते हो किसने कम रुपए में चीपर मतलब सस्ता पेन खरीदा है।
तो कैसे बताएंगे? अगर हमें दोनों की मनीष और राजू के 1 पेन की कॉस्ट पता चल जाए तो हमें पता लग जाएगा किसने चीपर कम रुपए में पेन को खरीदा है। तो पहले हम राजू के 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, फिर मनीष के 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, और जिस 1 पेन की कॉस्ट की वैल्यू कम होगी उसी ने पेन चीपर खरीदे। तो राजू परचेज 10 पेन फॉर 150 रुपीज। तो राजू परचेज 10 पेन, राजू ने 10 पेन कितने रुपए में खरीदे हैं? 150 रुपीज में खरीदे। अब हमें कितने पेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी? 1 पेन की। तो राजू परचेज 1 पेन, 1 पेन कितने रुपए का पड़ा राजू? 10 पेन 150 रुपए में टोटल एक साथ खरीद लिए, तो 1 पेन कितने रुपए का पड़ेगा? 10 से 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ज्यादा से कम की निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे 150 को 10 से, तो 0 से 0, तो 1 पेन राजू को कितने रुपए का पड़ेगा? 15 रुपए का पड़ेगा। अब राजू की 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई? 15 रुपीज। अब हम मनीष का फाइंड आउट करेंगे। मनीष बाय 7 पेन, मनीष ने 7 पेन कितने रुपए में खरीदे हैं? 84 रुपए में खरीदे। फिर हम 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, मनीष बाय 1 पेन, 1 पेन कितने में खरीदा होगा? तो 7 से 1, ज्यादा से कम पर आ रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 84 को 7 से। अब दोनों 7 से 7 1 जा 7, 12 7 जा 84, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 12 रुपीज। अब क्वेश्चन में पूछा है कि किसने सस्ते रुपए में पेन खरीदे, कम रुपए में पेन खरीदे। तो राजू का 1 पेन 15 रुपए में आया है और मनीष का 1 पेन 12 रुपए में आया है, तो हमारा क्या आ जाएगा? मनीष ने कम रुपए, मनीष की 1 पेन की कॉस्ट 12 रुपए है और राजू की 15 रुपए है, तो मनीष का चीपर हो जाएगा, मनीष ने सस्ते पेन खरीदे हैं, तो मनीष गोट द पेन चीपर। आंसर क्या हो जाएगा? मनीष गोट द पेन चीपर, मनीष ने कम रुपए में पेन खरीदे। क्लियर? तो इसके लिए हमें 1 पेन की वैल्यू फाइंड आउट करने की राजू के लिए और मनीष के लिए, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, आई होप क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? मनीष मेड 42 रन इन 6 ओवर। मनीष नाम का बॉय जो है, जो 42 रन बनाता है कितने ओवर में? 6 ओवर में। एंड अनूप मेड 63 रन इन 7 ओवर। अनूप 63 रन बनाता है 7 ओवर में। हु मेड मोर रन पर ओवर, कि एक ओवर में कौन सा ज्यादा रन बना रहा है ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे हम इसके लिए? अनीस कितने रन बना रहा है? 42 रन बना रहा है, और कितने ओवर में बना रहा है? 6 ओवर में बना रहा है, तो दोनों बॉयज का हम 1 ओवर के रन फाइंड आउट करेंगे, और जितने ज्यादा रन बनाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे अनीस मेड 42 रन इन 6 आवर। तो अनीस मेड रन इन 6 आवर, अनीस 6 आवर में कितने रन बनाता है? हमें एक आवर का बताना है कि एक आवर में कितने रन बनाएगा। तो अनीस मेड रन इन 6 आवर, 6 आवर में कितने रन बनाता है अनीस? 42 रन बनाता है। अब एक आवर का निकालना है, तो एक का निकालेंगे, अनीस मेड रन इन
वन ओवर में कितना रन बनाएगा, तो सिक्स में 42 रन बनाता है, तो वन सिक्स से वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज्यादा से कम के लिए डिवाइड करेंगे, तो 42 को किससे डिवाइड कर देंगे, सिक्स से, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स सेवन जा 42, तो 7 रन हो गए। अनीश ने तो एक ओवर में 7 रन बनाए हैं। अब हम अनूप का देख लेते हैं। अनूप मेड रन, अनूप रन बनाता है इन 7 ओवर, 7 ओवर में दे रखा है इसका। अनूप 7 ओवर में कितने रन बनाता है, 63 रन बनाता है। अब किसका फाइंड आउट करना है, पर ओवर मतलब कि एक ओवर का, तो अनूप मेड रन इन वन आवर, वन ओवर में कितना रन बनाता है, 7 में 63 बनाता है, तो 7 से 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ज्यादा से कम के लिए डिवाइड करेंगे 63 को 7 से, तो 7 दोनों में कॉमन फैक्टर है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो 9 रन बनाता है। अब अनीश तो एक ओवर में 7 रन बनाता है और अनूप एक ओवर में 9 रन बनाता है। अब क्वेश्चन में पूछा है Who made more run per hour? Per hour मतलब एक आवर में कौन ज्यादा रन बना रहा है, तो 7 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 9, तो अनूप made more run per hour, पर ओवर में अनूप ज्यादा रन बनाता है। तो क्वेश्चन में दे रखा था दो बॉय थे, उनके ओवर रन दे रखे थे, उनका एक ओवर में रन फाइंड आउट करने थे और फिर बताना था किसने एक ओवर में ज्यादा रन निकाला है, ज्यादा रन मिले हैं, तो अनूप ने ज्यादा रन मिले हैं, एक ओवर में 9 रन मिले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमारा 12th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, और 12th चैप्टर के साथ साथ हमारा क्लास 6 मैथ एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो गया है। पर आप लोगों के लिए कंप्लीट तब होगा जब आप सारी वीडियो को डिटेल में देखेंगे और खुद से फिर सोल्व करके देखेंगे, तो हमें अच्छे से सोल्व करते रहना है, सारी वीडियो को ध्यान से देखना है, क्वेश्चनों को सोल्व कर करके देखने हैं। रिवीजन बिल्कुल नहीं छोड़ना, कंटिन्यू रिवीजन करते रहना है, बीच में एक छोड़ देंगे तो हम भूल जाएंगे, तो उसके लिए रिवीजन करते रहना है। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मैथमेटिक क्लासिक्स नाम की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से अपने क्वेश्चन कोई भी डाउट हो वहाँ से सोल्व कर सकते हो, उसमें सारे क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज सीरियल वाइज लगाई हुई है। तो बस हमारा 12th चैप्टर भी कंप्लीट और क्लास 6 मैथ भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर मी वॉचिंग।